बहुत सुंदर यहाँ पर कॉम्बिनेशन बताया गया, केरो ने जिस जो सिद्धांत यूज किया था वो हम भी यूज करते हैं। 7 साल के इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग, 5 साल में भी होता है, 7 साल में होता है। 7 साल बाद थोड़ा सा लॉजिकली फिट बैठता है। जैसे जीवन रेखा पर समय निर्धारण हेतु कीरो का सप्तवर्षीय सिद्धांत कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम शुक्र पर्वत के मध्य में एक काल्पनिक बिंदु मान लिया जाता है। जैसे थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके, तो यहां जैसे कैसे करते हैं, जैसे ये शुक्र का पर्वत है। अच्छा, आप लोगों को याद है जो हम जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हमारे बचपन में होता था, जिसमें एक आधा चांद होता था जिससे हम लोग डिग्री मापते थे, एंगल्स, है ना? वैसा ही कुछ अगर आपके पास है तो आप हाथ में शुक्र के बिल्कुल सेंटर में इस जगह पे रख सकते हैं। रखने के बाद उसमें जो रेखाएं बनी रहेंगी उस हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा छोटा छोटा गैप मिलेगा, यानी वहां पर नेत्रानुमान जो मिलेगा वो 5 साल का मिलेगा। और अगर कुछ नहीं है, सिर्फ वैसे जो ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसमें शुरुआत कैसे की जाती है कि इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम शुक्र पर्वत के मध्य में एक काल्पनिक बिंदु मान लिया जाता है। तत्पश्चात उक्त बिंदु के आधार पर तर्जनी उंगली के बाहरी सिरे पर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, यहां से शुरू करके इस तरह से। तो जिस जगह में जीवन रेखा पे ये काट रही है वो 7 वर्ष होता है, 7 ईयर, ठीक है। सेकेंड लाइन जो खींचते हैं वो तर्जनी और मध्यमा के बीच में, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 7 अगेन और 7 ईयर्स, 14 साल। फिर इन दोनों के बीच में खींचते हैं, थोड़ा सा कर्व हो गया, इस तरह का खींचते हैं तो 14 के बाद और फर्दर एंड 7 21 ईयर्स। फिर यहां से इसके बीच में खींचेंगे, That is 35 years. Sorry, 35. 21 and plus 7. इस तरह 20 plus 21 plus 7. आप बैक साइड में देखिए, यहां पर इमेज बना हुआ है, चित्र नंबर 7570, ठीक है। तो सूर्य और बुध के बीच में जो ये है, अच्छा मेरी आवाज आ रही है ना सबको? गुड। सूर्य और बुध के बीच में जो रेखा जाती है वो 28 एज को दिखाती है, 28वां साल। अब यहां से एक शाखा निकल के जाती है छोटी वाली उंगली के एंड में पीछे, ये आता है 35 ईयर्स, 35वां साल। इसके बाद एक शाखा जाती है, ज्यादा ही हो गया, इस तरह से, और एक शाखा इस तरह से, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम नेत्रानुमान से लगाए, मतलब आंखों से देखें, ये तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया, अगर आप नॉर्मली आंखों से देख के स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो स्ट्रेट लाइन खींचने में आसानी, ये जो गैप होता है ना उंगलियों के बीच में, यहां से स्ट्रेट लाइन खींचने में ज्यादा आसान पड़ता है, दिखता है। उससे जो है जहां पर इंटरसेक्ट होता है उस हिसाब से 7 साल करके वो बढ़ता जाएगा अंत तक, नीचे जहां पर लास्ट में जो रेखा अंत में एंड हो रही है वो 63 ईयर्स को दिखाता है, यहां पर बिल्कुल चंद्र पर्वत के अंत में आके ये 63 एज को दिखाता है। और अगर जीवन रेखा लास्ट तक नीचे तक जा रही है, मणिबंध में जाकर टच हो रही है, टच होने का मतलब है 90 वर्ष, या पीछे तक अंगूठे के, मतलब ये शुक्र के पर्वत के पीछे तक भी चली जाती है कंप्लीट, तो वो 90 ईयर्स को ही मानते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर भाग्य रेखा का निर्धारण करते हैं, जस्ट इसी इसी पर्व इसी लाइन को रखेंगे और भाग्य रेखा इस तरह से बनाएंगे,
भाग्य रेखा में नीचे से ऊपर जाएगा, जो 63 इयर्स है ये वाला 7 साल से गिनना स्टार्ट होगा। इसमें लिखा हुआ है देखिए, भाग्य रेखा का समय निर्धारण, भाग्य रेखा के संबंध में समय निर्धारित करने के लिए पुनः उसी प्रकार का सिद्धांत अपनाना होगा जो सिद्धांत जीवन रेखा पर समय निर्धारण करने के लिए किया लिया गया है। जो रेखा जीवन रेखा को 63 वर्ष की आयु पर काटती है वही रेखा भाग्य रेखा को 21 वर्ष की आयु पर काटती है, साथ में सॉरी 21 वर्ष, ये वाला पोर्शन जो है 21 ईयर्स, क्योंकि भाग्य की उन्नति जो है 12 साल तक जो है वो माँ बाप के ऊपर ही होता है। किसी बच्चे का जो भाग्य होता है वो 12वें साल तक माँ बाप तक होता है, फिर 13वें साल से धीरे धीरे उसको कर्म दुनियादारी समझ में आता है, यानी टीनेज में, उसका टीनेज में जब तक वो बड़ा होता रहता है, टीनेज जो है पूरा उसका भाग्य बनाने का बेस स्टार्ट होता है, और 20वें या 21वें साल से एक्चुअली वो उसका अपना कर्म करने का वो तरीका उनको पता चलता है और उनको समझ आ जाती है कि दुनियादारी क्या चीज होती है, उसके बाद से उनके भाग्य को ही गिना जाता है। तो 63 एज जहां पर है वहां पर हम 21 ईयर्स को मानेंगे, और इक्वली उस तरह से डिवाइड करते हुए आगे पढ़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा, उसके बाद वाला 42, इस तरह करके डिवाइड करते हुए आगे तक एंड में जाकर। सर ये टोटल कितनी लाइनें बनानी है? ये जो गैप है ना, पहले तो देखिए स्टार्टिंग करना है उंगली के एंड से, 1 2 3 4 5 ये खत्म हो गया, उसका एक रेखा मंगल पर्वत तक, एक रेखा चंद्र पर्वत के बीच और एक रेखा बिल्कुल नीचे, ये नीचे एनी फिक्स्ड फिक्स्ड डिग्रीज और समथिंग, जो जिस डिग्रीज डिग्रीज आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हर हाथ का शेप अलग होता है, आप पर्टिकुलर राइट फिक्स नहीं कर पाएंगे, बस आप आइडिया मिल गया, नेत्रानुमान लगाना, बस आंखों से समझ के आइडिया लगाना। हाँ थैंक यू सर, ऑल पर्वतों पर लाइन खींचे, राइट सर। देखो हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और पीछे से बुद्ध बोल रहा है मां मां करके, और दैट इज माय ग्रैंडसन चौथी कभी, ही वांट्स माय कंप्यूटर, यस बिकॉज़ या ठीक है, बहुत सिंपल है ये ज्यादा वो रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, ये क्या होता है किसी भी इवेंट को बताने में इजी होता है। जैसे एक बार जॉन सर कह रहे थे, सर आपने वो नहीं बताया नंबर क्या एज कब होता है क्या नहीं होता, अरे वो तो सबसे लास्ट में आता है, जब आप रेखाओं को जान लेंगे फिर सिग्निफिकेंस हो जाए, उसके बाद फिर घटनाएं कब कब घटित होंगी उस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बीच वाला जो पोर्शन होता है जहां से ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला पोर्शन जो है ये दोनों में बहुत ज्यादा कॉमन आता है, नियर अबाउट आता है ये बीच वाला, यहाँ वाला।